प्रॉब्लम दिया हुआ है कि यदि a cos थीटा + b sin थीटा = c है और जो है इसका रूट सब अल्फा बीटा है, तो मैं प्रूफ करना है cos अल्फा + बीटा = a² - b² / a² + b² cos अल्फा + बीटा = 2c² - a² - b² / a² + b² सॉल्व करते हैं। हमारे पास a cos थीटा + b sin थीटा = कितना दिया c। अब क्या करेंगे, a cos थीटा उसको उधर भेज देंगे, c माइनस बी साइन थीटा, दोनों तरफ अगर हम लोग हॉल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी एंड दिस इज साइन थीटा हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कैसे कॉस का इक्वल किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा। अब इसी से क्या हो जाएगा, सब उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर उसके बाद टू बी सी साइन थीटा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये तीन पार्ट मेरा अपना। अब चूंकि क्या है मेरा अल्फा बीटा रूट है, सिंस अल्फा और बीटा जो है ये रूट्स है, तो अल्फा बीटा रूट्स है मतलब तब इसका रूट सब क्या क्या हो जाएगा, इसका रूट सब हो जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, जहां थीटा वहां अल्फा बीटा रख देना है, तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट से हम लोग का काम है मात्र, क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट में ही सवाल मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा दिस बाय दिस दैट इज सी स्क्वायर माइनस बी, बी नहीं है ए है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया वन नंबर। अब दूसरा नंबर में क्या कर रहे हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू कितना दिया c दिया है, इधर क्या कर रहे हैं b sin थीटा इक्वल टू c माइनस a cos थीटा, फिर होल स्क्वायर अंदर तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा c स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2c a cos थीटा, तो क्या कर दे रहे हैं b स्क्वायर 1 माइनस एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज c स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस टू सी ए कॉस थीटा। अब क्या कर रहे हैं दिस इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू सी ए कॉस थीटा, तो अब बी स्क्वायर उधर ले जाएंगे दिस इज इसको उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा दिस इज अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बन जाएगा टू ए सी कॉस थीटा और ये उधर से जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना हो गया दिस इज इक्वल टू जीरो। अब चूंकि फिर अल्फा बीटा जो है रूट्स है किसका इस इक्वेशन का, तो अल्फा बीटा है कि मतलब इसका इसका भी अल्फा बीटा रूट्स होगा इस इक्वेशन का, इसका मतलब इसका क्या रूट हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा इसका रूट हो जाएगा, तो यहाँ से जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाय मतलब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं एक नंबर दो नंबर को। अभी तक हमारे पास ये चीज आ चुका है, हमको वहां प्रूफ करना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, सबका वैल्यू वहां पर देख रखा है जैसे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बोलेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर से खत्म हो गया नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ कर रहे हैं सेकंड नंबर कॉस अल्फा माइनस बीटा करना है, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कुछ भी जहाँ माइनस है वहाँ पर खाली प्लस कर देना है, बाकी बात तो सब वैसे का वैसे उतार देना वही जाएगा वैसे, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया प्रूफ।